Hello student, welcome to class 11th और इस क्लास में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग केमिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी बेसिक टर्म्स होते हैं वो हम स्टडी करेंगे। लेकिन बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर मैं आपको कुछ बेसिक पॉइंट्स बताना चाहता हूं जो कि जानना जरूरी है। हम लोग 11th में जो केमिस्ट्री पढ़ेंगे उस केमिस्ट्री को हम लोग 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे। तो ये जो 3 पार्ट्स है केमिस्ट्री का, उसमें एक पार्ट को हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री बोलते हैं, दूसरे पार्ट को हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं, तीसरे पार्ट को हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। तो ये सारे पार्ट को हमको वन बाय वन पढ़ना है। अब जान लेते हैं कि फिजिकल में आखिर क्या हमको पढ़ना है। देखिए, फिजिकल में हमको कुछ ऐसे चैप्टर होंगे जिनके कॉन्सेप्ट आपको जानने होंगे और उस पे बेस्ड कैलकुलेशन करने होंगे। डेटा दिया रहेगा और उस पे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। इसमें 2 पार्ट आते हैं, थ्योरेटिकल पार्ट भी होता है। यहां पे आपको थ्योरेटिकल पार्ट भी होगा और आपका न्यूमेरिकल पार्ट भी होगा। तो यहां पे हम लोग ज्यादातर न्यूमेरिकल बेस्ड कॉन्सेप्ट सीखेंगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशंस पढ़ेंगे, कैसे हम मेटल्स को बनाते हैं, ठीक है, कैसे हम एलिमेंट्स को इंडस्ट्री लेवल पे बनाते हैं, तो ये सब यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं। इसमें हम लोग कार्बन और उसके कंपाउंड्स के प्रॉपर्टीज और प्रिपरेशन को पढ़ते हैं, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो यहां पे हम लोग बोल देंगे कि यहां पे हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का स्टडी करते हैं। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है जो कि जानना जरूरी था। ठीक है, अब अलग अलग चैप्टर आएंगे, जब जब जो चैप्टर आएगा हम आपको डिस्कस करते रहेंगे कि ये फिजिकल का पार्ट है, ये इनऑर्गेनिक का पार्ट है और ये ऑर्गेनिक का पार्ट है। अब हम बात करने जा रहे हैं कि आखिर केमिस्ट्री होता क्या है। ठीक है, तो देखिए केमिस्ट्री जो है ये क्या होता है इसको जानना जरूरी है, क्योंकि एवरीडे लाइफ में केमिस्ट्री का बहुत यूजेज है हमारे। जैसे मेडिसिन आप देखते हैं, जैसे आप जितने भी हम लोग केमिकल्स यूज करते हैं उस सब के फॉर्मेशन में केमिस्ट्री का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। तो इसलिए पहले ये जान लेते हैं कि केमिस्ट्री है क्या। तो देखिए, केमिस्ट्री को अगर हम डिफाइन करते हैं तो हम बोलते हैं कि केमिस्ट्री इज द साइंस दैट डील्स विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स, द रिएक्शन बाय विच
वन सब्सटेंस इज कन्वर्टेड इन टू अनदर एंड द एनर्जी एसोसिएटेड विथ इट। ठीक है, तो यहां पे हम बोल रहे हैं कि केमिस्ट्री में हम लोग जो स्टडी करते हैं वो करते हैं कि भाई मैटर जो होते हैं, ठीक है, तो क्या होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, हम लोग मैटर के बारे में जानते हैं। तो हम लोग इस मैटर के बारे में, इसके स्ट्रक्चर्स क्या होंगे, इसके प्रॉपर्टीज क्या होंगे, और इसको हम लोग रिएक्शन में कैसे बनाते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास H2 गैस है, ठीक है, और O2 गैस है, अगर ये दोनों रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं तो H2O बनता है। तो यहां पे हम लोग इसके फॉर्मेशन के बारे में पढ़ते हैं, साथ ही साथ ये भी पढ़ते हैं कि इस रिएक्शंस को होने में एनर्जी चेंज क्या हुआ। ठीक है, तो हम लोग एनर्जी के बारे में भी यहां पे स्टडी करेंगे, एनर्जी चेंज ड्यूरिंग रिएक्शन भी हम लोग स्टडी करते हैं। तो ये जो है ये सारे इंफॉर्मेशन हमको केमिस्ट्री देता है। तो अब हम लोग आ रहे हैं अपने टॉपिक पे, और नेक्स्ट जो है हमारा वो है मैटर। तो देखिए, अगर आप मैटर को डिफाइन करना चाहते हैं तो मैटर को आप क्या बोलेंगे। तो मैटर जो होता है ये हम लोग ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में जानते हैं कि मैटर कुछ भी हो सकता है जिसमें अपना मास हो और साथ ही साथ वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है। मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूं कि टेबल, ठीक है, तो क्या टेबल मैटर है? तो आप दो पैरामीटर्स को देखिए कि क्या ये स्पेस ऑक्यूपाई करता है, बिल्कुल करता है। क्या इसका वेट है, क्या इसका मास है? देखिए, वेट और मास में केमिस्ट्री में तो कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन फिजिक्स में वेट और मास में हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, इसलिए केमिस्ट्री में मास और वेट टर्म हम लोग यूज करते रहते हैं, लेकिन ये दोनों अलग अलग टर्म्स होते हैं। उसी तरीके से अगर मैं एग्जाम्पल लूं एयर, तो क्या एयर मैटर है? तो बिल्कुल मैटर है, क्योंकि एयर स्पेस लेता है, वॉल्यूम होता है, और इसके पास मास भी होता है। तो हमारे आसपास जितने भी सब्सटेंसेज हैं वो सब के सब मैटर्स हैं, क्योंकि वो स्पेस लेते हैं, ठीक है, और वो उनमें अपना मास होता है। अब चलिए मास को हम क्लासिफाई करते हैं। मास को क्लासिफाई करते हैं तो मास को हम लोग टू टाइप से क्लासिफाई करते हैं, एक तो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट एंड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल स्टेट का मतलब होता है कि अपीयरेंस के बेसिस पे आप बाहर से मैटर को देख के क्या समझते हैं। तो देखिए, बाहर से हम देख के मैटर्स को बोलते हैं कि भाई ये सॉलिड है, ठीक है, कोई लिक्विड हो सकता है और कोई गैस हो सकता है। उसी तरीके से अगर केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो वहां पे हम लोग दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं, किसी को प्योर सब्सटेंस बोलते हैं और किसी को इम्प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। इम्प्योर का मतलब यहां ये हुआ कि मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंसेज है, ठीक है, तो यहां पे इसको हम लोग मिक्सचर्स बोलते हैं। अब प्योर सब्सटेंसेज को हम लोग एलिमेंट्स में कैटेगराइज किए हैं और कंपाउंड्स में कैटेगराइज किए हैं, जबकि मिक्सचर्स को हम लोग होमोजीनियस मिक्सचर्स बोलते हैं और हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स बोलते हैं। अब देखिए, जो प्योर सब्सटेंस में जो एलिमेंट्स हैं, इस एलिमेंट्स को हम लोग थ्री पार्ट्स में डिफ्रेंशिएट करते हैं, कैटेगराइज करते हैं। किसी को मेटल बोला जाता है, किसी को आप नॉन मेटल बोल सकते हैं, तो किसी को आप क्या बोलते हैं, मेटलॉइड बोलते हैं। तो इस तरीके से हम यहां पे कैटेगराइज किए। अब आपको यहां पे एक और कैटेगरी में बता दूं आपको, यहां पे आपका जो है वो है कंपाउंड को आप कैटेगराइज कर सकते हैं, ठीक है। तो कंपाउंड को हम लोग टू टाइप से कैटेगराइज करते हैं,
एक को हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक और एक को बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये सब हम लोग जब जब इसके रिक्वायरमेंट होगा सीखते रहेंगे। और एक होता है आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो मैटर्स को हम लोग इतने पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं। अब वन बाय वन हम लोग इसका स्टडी करेंगे कि सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, गैस क्या होता है, ठीक है। अब ये जो आप देख रहे हैं, ये आप जो ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज आप देख रहे हैं, ये सारे के सारे आप ऑलरेडी 10th क्लास या 9th क्लास में इसका बेसिक डेफिनेशन जानते हैं। एलिमेंट्स क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, मिक्सचर्स क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर्स क्या होता है और हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स क्या होता है। तो हम लोग अब पढ़ेंगे कि फिजिकल स्टेट के बेसिस पे जो हम लोग सॉलिड, लिक्विड और गैस बोलते हैं उसको हम लोग कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो इनको हम लोग प्रॉपर्टीज के बेसिस पे डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं एक प्रोसेस के बारे में आपसे बात करना चाहता हूं, ठीक है। जैसे हमारे पास 3 वेसल्स हैं और इन 3 वेसल्स में हमने 3 स्टेट ऑफ मैटर्स रखे हैं, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास वाटर है और वाटर को अगर हम 3 स्टेट में देखेंगे तो आप देखिएगा कि ये आइस में भी एग्जिस्ट करता है, ये आपका लिक्विड में भी एग्जिस्ट करता है और ये आपको गैस में भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो ये जो केस है ये है आपका सॉलिड का और ये जो केस है ये है आपका लिक्विड, तो बोल दिया, और ये आपका गैस का। आइस ये सॉलिड पार्ट होता है। अब देखिए, मैं आपसे कुछ प्रोसेस जानना चाहता हूं। जैसे मान लीजिए कि जब सॉलिड लिक्विड में जाता है, जब लिक्विड गैस में जाता है, तो मैं यहां पे इसका नाम ए बोल रहा हूं और इसका बी बोल रहा हूं। फिर रिवर्स प्रोसेस आप करिए, तो जब आप रिवर्स प्रोसेस करते हैं तो इसको सी बोल रहे हैं, और इधर से भी आप रिवर्स प्रोसेस करिए तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं। तो क्या आप बता सकते हैं कि ए जो प्रोसेस है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बी जो प्रोसेस है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, सी जो प्रोसेस है और जो डी जो प्रोसेस है इसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो देखिए, हम जानते हैं कि जब कोई भी सॉलिड लिक्विड में बदलता है, यानी आइस को अब छोड़ते हैं तो वो मेल्ट होने लगता है और मेल्ट होके लिक्विड में बदलता है, तो हम लोग बोलते हैं कि जो सॉलिड है अगर वो किस में जा रहा है, अगर वो लिक्विड में जा रहा है तो वो है मेल्टिंग, ठीक है, वो है मेल्टिंग प्रोसेस, ठीक है। उसी तरीके से अगर कोई भी लिक्विड गैस में जाता है, ठीक है, तो देखिए गैस में जब लिक्विड जाता है तो हम लोग उसको बोलते हैं कि वो बॉइलिंग होता है। और उसी तरीके से अगर आप सी प्रोसेस को देखिए तो गैस को लिक्विड में बदल रहे हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं कंडेंसेशन या कंडेंस हो रहा है। और एक और देख लीजिए, यहां पे आप देख पा रहे हैं डी पार्ट में जिसमें लिक्विड फिर आइस में बदल रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं फ्रीजिंग। तो आप इस तरीके से समझ पा रहे हैं कि सॉलिड, लिक्विड, गैस ये सब आपस में इंटर कन्वर्टिबल होते हैं। यानी अगर आपके पास सॉलिड है तो उसको लिक्विड में बदल सकते हैं, लिक्विड है तो गैस में बदल सकते हैं। तो ये सारे प्रोसेस का नाम है। अब देखिए इसमें एनर्जी चेंज क्या होता है उसको हम लोग देखते हैं। ये जो ए और बी यहां पे आप देख रहे हैं, ए और जो बी पार्ट देख रहे हैं आप, इसमें देखिए आपको एनर्जी देना पड़ रहा है, आपको एनर्जी सप्लाई देना पड़ रहा है। यानी यहां पे
एनर्जी आपको देना पड़ेगा, यानी यहां पे एब्जॉर्ब होगा एनर्जी। जबकि इस प्रोसेस में आप देखिएगा कि गैसियस मॉलिक्यूल्स के पास ज्यादा एनर्जी होता है जबकि लिक्विड के पास कम एनर्जी होता है। तो जब गैस लिक्विड में बदलेगा तो एनर्जी को रिलीज करेगा, तो यहां पे आपको होता है रिलीज एनर्जी, रिलीज एनर्जी। तो हर एक प्रोसेस में आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से एनर्जी का चेंज हो रहा है, और उसको भी हम लोग यहां पे स्टडी कर रहे हैं। अब हम लोग सॉलिड, लिक्विड और गैस के जो प्रॉपर्टीज हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे।